हाय दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूँ प्लांटिनोन चैनल पे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे सामने एक सीट भी रखी हुई है। दोस्तों, मैं इसका भी है आपको सेकंड पार्ट का अपडेट दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितने ग्रो हो गए। मैंने इसमें 12 लगाए थे सीट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी इसका फर्स्ट पार्ट, तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, आप वो देख सकते हैं। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे ग्रो करने के लिए कहा था, तो ये उसका रिजल्ट है। आप देख सकते हैं मैं इसमें 12 सीट लगाए थे। ये मैंने इसमें टैग भी लगा दिया था ताकि इसकी डेट और सब देखने में आसानी हो। 12 सीट लगाए थे मैंने 6 जनवरी को, आप देख सकते हैं। तो आपको भी, आप जब भी सीट्स लगाएं, बहुत सारे, कभी बहुत सारे लगा देते हैं, तो आप टैग लगा दिया करें। ये टैग बहुत आसानी से मिल जाता है, आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आपके प्लास्टिक बोतल होगी, तो ये मैंने उसी से ही काट के बनाया, ये बहुत अच्छा ही रहता है। तो चलिए मैं आपको अब स्वीट पी के बारे में बताता हूँ। मैंने इसमें 12 सीट लगाए थे, अब इसमें से निकले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से दोस्तों 8 और एक ये 9, इसमें से 9 निकले हैं। हमने 12 लगाए थे, 3 नहीं अभी हुए ग्रो। आप देख रहे हैं छोटा सा है, ये छोटा क्यों रह गया अभी, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता होगा जो मेरे दोस्त दिल्ली में रहते हैं, कि कल दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हुई है, तो इसकी वजह से सूरज भी अब आ नहीं रहा और सनलाइट भी इतनी तेज़ नहीं आ रही जो मैं इन्हें धूप में रख दूँ। इनको अगर मैं धूप में रखूँगा तो इस पर हवा आती रहेगी, धूप बहुत कम आ रही है, तो यही वजह है इसका छोटा रहने के लिए। आप देख सकते हैं इसको आपको फुल धूप में रखना है, जब भी अच्छी तरह से ग्रो होंगे। मैंने इन्हें शुरू से ही धूप में रखा है, आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं कितने अच्छे कलर है इनका, डार्क ग्रीन। तो दोस्तों, ये ओनली मैंने बालू मिट्टी ली थी, तो अब मैं इसमें कंपोस्ट मिलाऊंगा। ये मेरे पास लीफ कंपोस्ट है, पत्तों की खाद, ये मैंने रेडीमेड ली थी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। ये जो आप यहाँ पे गड्ढा सा देख रहे हैं, होल सा, यहाँ से मैं इनको पानी दे देता था, जिसकी वजह से हो गया। तो हम इसको भी सही कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम सीड्स पे पानी नहीं डालते, वरना सीड्स अपनी जगह से हिल जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दो सीड्स आपस में मिल गए, क्योंकि हमने शुरू में पानी डाला था, वो ज़्यादा तेज़ हो गया था। दो सीड्स आपस में आ गए, अभी जब बड़े हो जाएंगे तो इनकी रूट्स जो है आपस में फाइट करेंगी, जिससे एक पौधा, एक आपको ये प्लांट है, एक सर्वाइव करेगा और एक मर जाएगा। तो दोस्तों, यही वजह है आपको एकदम पानी नहीं डालना, वैसे ही साइड में से डालता था पानी। तो जब पौधा अपनी ग्रो हो जाता है तो उसे प्रोटीन चाहिए होता है, ताकत चाहिए होती है, कंपोस्ट फर्टिलाइज़र, जिससे वो अच्छा सा बड़े और अच्छी सी ग्रोथ हो उसकी। तो मैं इसे इसमें लीफ कंपोस्ट डाल रहा हूँ, क्योंकि अब इसे ज़रूरत है। तो साथ ही साथ हम गुडाई भी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इससे गुडाई कर देता हूँ। ये सीज़र है, मैंने अपने टूल्स के बारे में बताया है वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका भी लिंक वीडियो के ऊपर आ रहा है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, इसकी हल्की सी गुडाई करनी है आपको, ज़्यादा नहीं करनी, वरना ये प्लांट है इसकी रूट्स को नुकसान पहुँच सकता है। आपको एकदम पास से नहीं करना, ये जो आप देख सकते हैं प्लांट के पास से आपको नहीं करना, क्योंकि इससे प्लांट की रूट्स जो है डैमेज हो जाएंगी। आपको बड़े ध्यान से काम करना पड़ता है, खास करके एक छोटे से प्लांट होते हैं। ये टर्न टेबल जो आप देख रहे हैं, इसका यही फ़ायदा है कि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ सकता हूँ और एक हाथ से ही टर्न कर सकता हूँ गमले को, मुझे दो हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते हैं, मैं इसको सीज़र से घुमा देता हूँ आराम से,
जिससे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस अब आपको यहाँ से पास से ध्यान से करना है। ये बहुत नाजुक प्लांट हुए होता है, इसलिए दोस्तों जो प्लांट है ये अभी मेरा 2 सेंटीमीटर से कम है, तो ये दोस्तों 60 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है प्लांट। और उसका जो फ्लावर है, फ्लावर का साइज़ इसका 4 सेंटीमीटर होता है। ये मेरे पास मिक्स थे, तो इसमें तरह तरह के अलग अलग मल्टी कलर के फूल आएंगे। तो अब इसका थर्ड पार्ट का इंतजार करिए, अभी ये सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसमें गुड़ाई कर दी, हल्की सी गुड़ाई से। फ़ायदा ये है कि इसमें एयर एयर पास होती रहेगी। देखिए एक सीडी आ गया, इसको ये जर्मिनेट नहीं हुआ, ये ख़राब हो गया। तो दोस्तों इसे मैं इसमें दोबारा ही लगा देता हूँ, देखते हैं अब क्या होता है। अब ज़्यादा ओस आने लगी है, तो इसलिए ये ग्रो भी नहीं कर पाया। चलिए दोस्तों, अब मैं इसमें कंपोस्ट डालता हूँ। लीफ कंपोस्ट से इसे कलर और अच्छे हो जाएंगे और ये जल्दी से आसानी से ग्रो करेगा। ये ओनली बालू मिट्टी है, इसलिए आप देख सकते हैं। चलिए मैं फिर इसमें कंपोस्ट डाल देता हूँ, आप ये देख सकते हैं। मेरे पास ये एक टूल है, ये भी लैब का टूल होता है, तो मैंने इसको वीडियो में दिखा रखा है। ये इस काम में लाता हूँ मैं, आप देख सकते हैं। एक चमचा है, देखिए। अब मैं इसको हल्के हल्के से, आप यहाँ से हम इसे टैप करते रहिए तो हल्के हल्के से झड़ता रहेगा। इसमें ज़्यादा नहीं डालने क्योंकि अभी ये छोटे से हैं प्लांट। आपको अंदर भी डालनी है, ये देखिए। छोटे टूल का ही फायदा होता है कि वो छोटी स्पेस होती है, वहाँ पे आसानी से काम कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा और ले लेता हूँ। इससे इसको अच्छा सा प्रोटीन मिल जाएगा और ये ग्रोथ भी अपनी अच्छी करेगा। देखिए दोस्तों, बस अब इसकी मैं हल्की सी और गुड़ाई कर देता हूँ। आप इसको हल्का सा मिक्स कर दीजिए सॉइल में, वैसे तो ये खुद ही डिजॉल्व हो जाएगी। इससे मिट्टी आराम से सॉफ्ट भी रहती है। देखिए दोस्तों, अब मैं इसमें वाटर डाल लेता हूँ। वाटर आपको ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है ये। आज 24 जनवरी है दोस्तों। बस दोस्तों, अब मैं इसमें वाटर डाल लेता हूँ हल्का सा, थोड़ी सी इसमें मैं और कर देता हूँ सॉरी। चलिए दोस्तों, अब मैं इसमें वाटर आपको हल्का सा थ्रो करना है। अभी ये ज़रा बड़े हो गए तो ये पूरे डिप हो जाए सॉइल। आप देख सकते हैं। बस दोस्तों, अब मैं इसमें और पानी नहीं डालूँगा, इनके लिए बहुत है। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे लग रहे हैं, बड़े हो गए। अब जब ये और बड़े हो जाएंगे तो
तो आपको इनके साथ स्टिक बांधनी पड़ेगी, जिसके सारे और अच्छे क्लाइम करने लग जाएंगे उस पे। तो स्वीट पी और जो आप रेगुलर पी खाते हैं मटर, उनके लिए भी आपको स्टिक लगानी पड़ती है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही बताना था आपको। तो अगली वीडियो में मैं फिर मिलूँगा एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय दोस्तों।